तो हम लोग चल रहा था बेटा ओवारी के बारे में, जो वन पेयर ऑफ ओवारी जो होता है कवर होता है थिन एपिथेलियम टिश्यू से, और जो कि हम लोग यहाँ पे देख के बता सकते हैं बेटा ये थिन एपिथेलियम टिश्यू से कवर होता है, जिसको ओवारियन स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवारियन स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा का जो आउटर लेयर होता है बेटा इसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, और जो भीतर का लेयर होता है बेटा इसको मेडुला कहा जाता है, ठीक है ना बेटा। अब इसी ओवरी के अंदर बेटा क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। इसी इनसाइड द ओवरी देयर आर ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, और दिस ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड ओवरियन और ग्राफियन फोलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओवरियन और ग्राफियन फोलिकल। सो दिस ओवरियन और ग्राफियन फोलिकल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है बेटा? क्या है? ओवरी है। क्या है बेटा? ओवरी है। सो ईच फोलिकल कैरी ए सेंट्रली प्लेस कॉल्ड ओव्यूल। तो ये फोलिकल किसको कैरी करता है बेटा? ओव्यूम को कैरी करता है, ओव्यूम को रिलीज करने में बेटा मदद करता है। तो आगे की ओर देखते हैं। अब बेटा एसेसरी डॉट के बारे में हम बता रहे हैं, सभी को स्क्रीन में दिख रहा है ना, अपना अपना मोबाइल में इसको लैंडस्केप कर लो, लैंडस्केप कर लो और जूम कर लो, अच्छे से दिखेगा। तो बेटा देखो अभी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर है एसेसरी डॉट बेटा मैंने जो बताया था ओवी डॉट फेलोपियन ट्यूब उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। पहला मैंने क्या बताया था बेटा? एसेसरी डॉट में मैंने पहला बताया था ओवी डॉट होता है बेटा, दो ओविडक्ट होता है दोनों ओवरी में जो अटैच होता है, और फेलोपियन ट्यूब कहते हैं उसको। इसके बाद बेटा यूटेरस होता है, यूटेरस का अदर नेम क्या है बेटा? वॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? WOMB। अरे क्या कहते हैं? वॉम कहते हैं। इसके बाद बेटा वेजिना होता है, ठीक है। ये तीनों क्या है बेटा? ये तीनों जो है बेटा एसेसरी डॉक्ट होता है। तो बेटा देख लेते हैं, आप देखो अब बेटा धीरे धीरे यहाँ पे देखोगे, धीरे धीरे देखोगो, आओ जल्दी जल्दी लिखो। देखो ये क्या है बेटा? ये लाल टोमाटो टाइप का जो है, लाल टोमाटो, इसको क्या कहेंगे? तो ये लाल टोमाटो को प्यार ऑफ ओभारी है, दोनों तरफ है ना प्यार ऑफ ओभारी। इसके बाद बेटा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहेंगे? फिम्ब्रे कहेंगे। अरे क्या कहेंगे? देखो बोरिंग लागू छे बोले कोई देर बाबू नहीं पढ़े आरो एंता गुमसा मुसा लेके नहीं बसो। अब इसके बेटा यहाँ से देखो जो फोनल लाइफ शेप है इसको क्या कहेंगे रे? इनपोंडी बोलो। इसके बाद जो वाइडर पार्ट है बेटा इसको क्या कहेंगे बोलो जल्दी? एम्पुला। इसके बाद बेटा जो नेरो पार्ट है इसको क्या कहेंगे रे? इस्थमा। वेरी गुड बेटा। आप ये क्या है बेटा? यूटेरस, ठीक है। अब यूटेरस का तीन लेयर बेटा जल्दी जल्दी बोलते जाना, बाहर लेयर को क्या कहेंगे बेटा? पेरिमेट्रियल। लेयर को क्या कहेंगे? मायोमेट्रियल। इनर लेयर को क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। और ये हो गया आपका पेचीना। क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका पेचीना जो ओपनिंग होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बेटा ओविडक्ट के बारे में देखो। अरे बेटा मैंने बता रहा था ना आपको, क्या बता रहा था जी? कि ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब जो होता है द लेंथ ऑफ द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? बोलो रे। 10 to 12 सेंटीमीटर। आप अपना अपना वीडियो ऑन करो, अपना अपना वीडियो ऑन करो। अब बेटा देखो यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट, ये फेलोपियन ट्यूब जो होता है मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, देख रहे हो ना बेटा? थ्री पार्ट्स में मेनली डिवाइड होता है। वाला डायग्राम में देखो क्या क्या होता है बेटा? इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, है ना बेटा? इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो आपको बेटा मेडिकल में क्वेश्चंस पूछेगा इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और यूटेरस, इनमें से कौन सा पार्ट फेलोपियन ट्यूब का नहीं है?
यूटेरस. वेरी गुड. सो व्हाट इज इनकॉन्डिबुलम बेटा? इनकॉन्डिबुलम क्या होता है? देखो ये फोनल शेप होता है. मैंने बोला था ना फोनल शेप ओपनिंग होता है जो कि किसको ओपनिंग करता है? मेनी फिंगर लाइक को, प्रोजेक्शन को, जिसको फिम्ब्रे कहते हैं. और इसका काम क्या होता है बेटा? फिम्ब्रे का ये ओवरी से क्या करेगा? जब भी ओव्यूलेशन होगा तो इट हेल्प टू कलेक्ट द ओव्यूम. ये क्या करेगा बेटा? ओव्यूम को कलेक्ट करने का काम करेगा. कौन करेगा? अरे कौन करेगा? फिम्ब्रे. आप एम्पुला क्या है लिख सकते हो? लिख लो, नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीन सेट करो. एम्पुला क्या है? वाइडर पार्ट है. क्या है बेटा? वाइडर पार्ट है. इस्तमस्त क्या है? ये नोट लिखना जरूरी है. मैं जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जो लोग नहीं लिख रहे हो वो लोग स्क्रीन शॉट करो, आफ्टर क्लास लिखना. इस्तमस्त क्या है? इट इज द नेरो पार्ट. इट ज्वाइन द यूटेरस. क्या है? यूटेरस को ज्वाइन करने में मदद करता है इस्तमस्त दोनों तरफ. इधर भी देखो यूटेरस, इधर भी इस्तमस्त, इधर भी इस्तमस्त. बीच में ज्वाइन करवा रहा है कि नहीं? किसको किसको ज्वाइन करवा रहा है? यूटेरस को ज्वाइन करवा रहा है. क्लियर? और द सिलिएटेड एपिथेलियम लाइन द ल्यूमेन ऑफ द ओविडक्ट, ड्राइव द ओव्यूम टुवर्ड्स द यूटेरस. तो बेटा ये जो है फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, इसका भीतर में क्या होता है बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है. क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि सिलिएटेड एपिथेलियम से बना हुआ होता है, सिलिया होता है. और ये सिलिया जो होता है क्या करेगा बेटा? ओव्यूम को टुवर्ड्स द यूटेरस लेने में मदद करता है. क्या करेगा? टुवर्ड्स द यूटेरस लेने में मदद करता है. ये वाला डायग्राम सब देख लेना जी. अरे देख ले रे चिन्मय साहू क्लास बाबू चिन्मय पर्सन टिकेन मंडल बजाउ रे एछिन पधारु छु. ऋतिक रंजन बाबू तमर मुल्की हसा रो रो तले कि हे वीडियो ऑन नि करबार एंता पिटा पिटमी जे देखु थोर. ऋतिक बाबू ठीक ठाक अछ? हां सर ठीक हूं. पाल पानी मिलु छी कि नहीं पीवा पई? मिलु छी. मिलु छी? प्रतीक बाबू मिलु छी कि नहीं विश्वनाथ के देखो पी पी करी झुमरई गला न घरे हांडिया पीउचे डेली. आय गो हांडिया बाली रे मर कुसुम न बाली. अरे हांडिया बोले उधरती था. आय गो कुसना बोले उधरती था. ये मन टोका पैसा किछि नै नो. मोर दिल नहीं कुछ ना देता. मन रुपया पैसा किछि नै नो. मोर दिल नहीं कुछ ना देता. चला 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 आगे बढ़ो. आप यूटेरस के बारे में देख लो बेटा. अरे यूटेरस के बारे में देख लो. तो यूटेरस के बारे में वाला देखो डायग्राम में दिया है बेटा. एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरिमेट्रियम तीन तो होता है लिया. तो बेटा क्या क्या कहते हैं हम देख लेते हैं. पहला यूटेरस जो होता है कौन सी शेप होता है? नोट करो, इनवर्टेड पियर शेप होता है. नोट, यूटेरस कौन सी शेप? इनवर्टेड पियर शेप होता है. हाँ वेरी गुड. इसके बाद ये यूटेरस को बेटा पेल्विक वॉल में जॉइंट करने का सपोर्ट कौन करता है? मैंने बोला था लिगामेंट्स करता है. नोट करो बेटा, इम्पोर्टेंट है लिगामेंट. हाँ. इसके बाद बेटा यूटेरस कितना पार्ट होता है बेटा? तीन पार्ट होता है. इसको बेटा अपर पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? यूटेरस का फंडस कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? अपर पार्ट ऑफ यूटेरस इज फंडस. मिडिल को क्या कहते हैं बेटा? मिडिल पार्ट को क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं. क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं. और लोअर पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? सर्विक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? सर्विक्स. सर्विक्स याद कीजिएगा. सर्विक्स क्या होता है बेटा? सर्विक्स इज द ओपन टू वेजिना. ये ओपनिंग ऑफ द वेजिना होता है. मतलब सर्विक्स वेजिना के थ्रू से ही ओपनिंग करता है.
वेजिना के माध्यम से सर्विकल कैनल होते हुए आपका स्पर्म जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये यूटेरस का जो बॉडी पार्ट है, ये बीच वाला बॉडी पार्ट है यूटेरस का, तो ये यूटेरस का जो बॉडी पार्ट है इसको यूटेराइन वॉल भी कहते हैं। ये कितने लेयर्स होता है बेटा? 3 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर क्या होता है बेटा? पेरीमेट्रियम होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल थिन, पतली सी मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है आउटर कवरिंग लेयर, उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं बेटा। दूसरा बीच वाला मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम जो होता है बेटा, मिडिल लेयर होता है और थिक लेयर होता है, थोड़ा मोटा होता है, मोटा होता है और स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है बेटा? स्मूथ मसल से बना हुआ। लास्ट वाला जो एंडोमेट्रियम है बेटा, ये एंडोमेट्रियम इनर लेयर ऑफ द यूटेराइन वॉल होता है, जो कि बेटा ग्लैंडुलर और वास्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है। कौन सी टिश्यू से बना हुआ होता है बेटा? ग्लैंडुलर और वास्कुलर टिश्यू। अब एसेसरी टॉक में नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा? वेजिना। क्या है? वेजिना। तो वेजिना देखिए बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये वेजिना जो है आपका, ये देखिए ये पार्ट वेजिना, ये पार्ट देखो वेजिना ये वाला, ठीक है। और इसका वेजिना की ओपनिंग में देखो ये बेटा है ना, हाइमेन है कि नहीं? ये वेजिना की ओपनिंग है, ये भीतर का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फिर आपको वेजिना के पास ऊपर में फिर आ जाओगे तो मन क्यूबिक्स, लाबिया माइनरा, लाबिया मेजरा, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है ना बेटा। अब देखते हैं, सो वेजिना क्या होता है बेटा? इट इज द ओपन टू एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा और एनस। जो आपका एनस है पीछे का हिस्सा, और जो यूरेथ्रा है जो कॉमन पैसेज होता है यूरिन का, तो बेटा वो क्या करता है? यूरेथ्रा और एनस के बिटवीन एक्सटीरियर ओपनिंग जो होता है वो क्या होता है? वेजिना होता है। जैसा बाहर है तुम्हार एनस अलग ओपनिंग है, तुम्हार यूरेथ्रा अलग ओपनिंग है, तुम्हार है ना बाहर है, वेजिना रो भी ओपनिंग अच्छे। देन द ल्यूमेन ऑफ वेजिना इज लाइंड बाय ग्लाइकोजेन रिच म्यूकस। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। द ल्यूमेन ऑफ वेजिना, ये वेजिना का जो ल्यूमेन है अंदर का, ये किससे लाइन किया है? ग्लाइकोजेन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या है जो म्यूकस? क्वेश्चन आपको पूछेगा, जो ल्यूमेन ऑफ वेजिना होता है वहां पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, कौन सी कंपोनेंट होता है? ग्लाइकोजन रिच होता है, इसीलिए दैट इज हाईली सेंसिटिव पैपिले कहते हैं। और वहां पे क्या होता है बेटा? बार्थोलिन ग्लैंड भी होता है। क्या होता है बेटा? बार्थोलिन ग्लैंड। अरे मेल में जैसा सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बुल्बो यूरेथ्रल होता है, अगर फीमेल में कौन सी ग्लैंड होता है पूछेगा, क्या लिखोगे? बार्थोलिन ग्लैंड्स होता है। कौन सी ग्लैंड? बार्थोलिन ग्लैंड्स होता है। ऑल ऑफ यू क्लियर ना बेटा? इट्स क्लियर? अरे चिकनी को समझ में आएगी नहीं, देर हो। चलो अब क्या बेटा, व्हाट इज द फंक्शन एंड इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड? इट इज जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा है, तो वहां पे स्पर्म को लुब्रिकेशन करने में, पेनिस को लुब्रिकेट करने में कौन मदद करता था बेटा? आपका जो है कौन? बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड मदद करता था क्या करने में? पेनिस को लुब्रिकेट करने में। तो यहाँ पे ऐसे बेटा, द सीक्रेशन ऑफ बार्थोरिन ग्लैंड्स लुब्रिकेट द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ड्यूरिंग द कोइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स बार्थोरिन ग्लैंड जो सीक्रेशन होगा हार्मोन्स, वो क्या करेगा? पेनिस को सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे और कोइटस के समय पे लुब्रिकेट करने में मदद करेगा। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर आगे जो है, आज की क्लास में समाप्त कर देते हैं यहाँ से, तो क्योंकि नेक्स्ट बोटनी शायद ऑनलाइन आ गए हैं, बोटनी क्लास होगी आपकी बोटनी का। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जाके पढ़ाई कर लेना, इसका क्वेश्चन एमसीक्यू आई विल सेंड यू ऑन ग्रुप, उसको जाके डिस्कस करना। चलो चलो, बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो, बाय।